वेलकम टू उड़ीसा ट्रेडर्स एचआर में सब ग्रुप। तो मंडे के लिए निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, तो निफ्टी का किस टाइप का मूवमेंट हो सकता है इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए, मैं अभी डे चार्ट पे रखा हूँ निफ्टी को। तो निफ्टी का अगर डे चार्ट में देखें, यहाँ पे जो एक मैं लाइन ड्रॉ किया हूँ, ये निफ्टी के लिए अभी मेजर सपोर्ट जोन है। इसका नीचे आपको और भी पेनफुल मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए, कल के लिए या मंडे के लिए ये वाला लेवल को हम सपोर्ट जैसा मान के चलते हैं, 16,900। इसके बाद हम अभी निफ्टी को छोटा टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे। तो अभी 15 मिनट में चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं निफ्टी का कंडीशन कैसा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल कंडीशन अगर आप देखेंगे बहुत ही ख़राब है। डाउ जोन लगभग 1000 पॉइंट डाउन है, नैस्डैक 400 पॉइंट डाउन है, तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रेड हियर। ओके, तो सब कुछ रेड ही दिख रहा है। तो आगे जाके बहुत ही पैनिक कंडीशन भी हो सकता है, लेकिन आज ए ट्रेडर हम लोगों को इतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही काम करेंगे। हम इतना बड़ा इन्वेस्टर भी नहीं है, ठीक है। तो इन्वेस्टर के लिए ये थोड़ा पेनफुल रहेगा, लेकिन आज ए ट्रेडर आपको तय करना है कि आपको किस टाइप का ट्रेड लेना है, बाइंग या सेलिंग साइड पर जाना है। तो चलिए देख लेते हैं, ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रा करके आपको दिखा रहा हूँ, तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। अगर आप निफ्टी ट्रेडर हो तो इसको अच्छे से देखिए। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे सेटअप है, इसके हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। तो ये वाला एक लाइन जो कि सपोर्ट जोन था, अभी ट्रेंड लाइन जैसे है, कल के लिए ये सपोर्ट बना था, कुछ टाइम के लिए सपोर्ट बना था, लेकिन इसके बाद फिर से ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। मतलब वेडनेसडे को लग रहा था थोड़ा ऊपर जाएगा, थर्सडे को भी थोड़ा ऊपर गया, इसके बाद फ्राइडे को मतलब ट्रैप जो बायर ट्रैप हुए और सिंपल सा मार्केट डाउन हो गया। तो इसका रीज़न क्या, देखिए अभी जो है ट्रेंड लाइन का नीचे मार्केट चल रहा है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और इसको रीटेस्ट भी किया, मतलब इसका आगे और भी बड़ा गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। तो लगभग अगर आप देखेंगे SGX निफ्टी जो 17,000 के करीब है, 17,019 पे चल रहा है, तो निफ्टी फ्यूचर भी लगभग 17,050 के आसपास चल रहा है। तो कल के लिए जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था, आप देख सकते हैं इस ये वाला मैं अभी ड्रा करके दिखा रहा हूँ, लेकिन इसका आगे कुछ मतलब कुछ फ़ायदा ही नहीं मिलेगा, इतना दूर मार्केट जाना वाला नहीं है मंडे को। तो मंडे के लिए हमारा जो सिंपल सा लेवल यहाँ पे रहेगा, लगभग मार्केट इसका नीचे भी ओपन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो लाइन मैं अभी ड्रा कर रहा हूँ, ये मंडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए। तो नोट डाउन कीजिए लाइन को, 17,055 का जो लाइन है, 17,055 का जो सपोर्ट है वो अहम सपोर्ट रहेगा मंडे के लिए। इसका नीचे अगर मार्केट आता है तो आपको दो लेवल देखने को मिल सकता है। सिंपल सा स्ट्रेटजी है, एक लेवल आपका रहेगा ये वाला 16,960, और ठीक से लिखेंगे तो 16,970 का रेंज रहेगा इसका नीचे आता है। इसके बाद इसको अगर ब्रेक कर लेता है मार्केट, सिंपल सा आपका मूवमेंट जो देगा, लगभग ये रेंज पे भी आ सकता है, ठीक है, 16,870 का जोन पे आ सकता है। तो ये जो 900 का जो रेंज है, ये रेंज में मार्केट मंडे को क्लोज होते हुए आपको नज़र भी आ सकता है। अगर ये वाला रेंज को ब्रेक कर लेता है, फिर से मिडिल में आपको जैसे मैं बोला 16,900 बड़ा सपोर्ट है, इसको अगर ब्रेक कर लेता है और भी नीचे 16,870 के आसपास भी आ सकता है। तो मार्केट का आप होप कीजिए कि यहाँ पे मार्केट ओपन होगा, थोड़ा ऊपर जा सकता है बायर को ट्रैप करने के लिए, इसके बाद मार्केट में डाउनफॉल हो सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जितना भी मार्केट ऊपर जा रहा है आपको सी कभी भी बाय नहीं करना है, पी बाय कीजिए और इन द मनी पी को बाय करके रखिए, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है मंडे के लिए, ठीक है। तो मंडे के लिए फिर से मैं आपको लेवल बता देता हूँ, मार्केट शुड ओपन नियर 17,055, इसको ब्रेक करेगा तो 16,970, देन इसके बाद और भी डीप आपको मार्केट जाते हुए नज़र आ सकता है। तो इसके हिसाब से आप आपका ट्रेड सेटअप करके रखिए, और मार्केट में मार्केट जैसे ही ओपन होगा मंडे को, अगर कुछ अच्छा कॉल्स मिलता है हम लोग को, तो हम लोग आपको ग्रुप में अपडेट करेंगे विथ टेक्निकल एनालिसिस, तो जिसमें कि आपका नॉलेज भी गेन होगा, इसके साथ साथ आप भी ट्रेडिंग अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।